सैयदा जहरा अगर ज्वाइन कर चुकी हैं क्लास को तो ज़रा वो अनम्यूट कर लें। सैयदा जहरा अगर क्लास को ज्वाइन कर चुकी हैं। जी सर। मेरा बेटा आपने सी आंसर सेलेक्ट रिलेटेड सेल्स सर, सर मैंने इसको गौर किया, मुझे इसका डी लग रहा है। अच्छा वजह बताएं जरा, एक्सप्लेन करें कैसे हम पहचानते कैसे हैं कि डी है। सर एक तो कैपिटल में डिक्रीज आ रहा है, फिर ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहा है, अभी तक हमें पैसे मिले भी नहीं है। ये हम पाकिस्तानी इंग्लिश पढ़ के उल्टा क्यों चलते हैं, हैं? सीधा भी तो चला जा सकता है। सबसे पहला इफेक्ट किस चीज पे? डिक्रीज ऑफ 80,000 इन मर्चेंडाइज। इट मींस मर्चेंडाइज आपके पास 89,000 की जा रही है। जी सर। आजमी क्या कर रही होंगी? बोलिए लाजमी, सेल्स क्रेडिट। क्या आप परचेज कर रही होंगी? नो। क्या आप उधार पे खरीद रही होंगी? नो। आप लाजमी तौर पर सेल्स को क्रेडिट करेंगे, सेल कर रही होंगी। अब सेल कितनी तरह से होती है? दो, या तो कैश पर या क्रेडिट पर। अब जरा देखिएगा आगे क्या लिखा है, इंक्रीज 80,000 इन ट्रेड रिसीवेबल, मतलब क्रेडिट पे हो रही है, तो क्रेडिट सेल। अब ये दो ऑप्शन में से एक सिलेक्ट होगा, क्रेडिट सेल दोनों है। आगे क्या कह रहा है, डिक्रीज 9,000 इन द कैपिटल। कैपिटल कम होने का मतलब क्या है? ओनर इक्विटी या कैपिटल में डिक्रीज आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, वजह किस बेसिस पर आ सकता है? सर हमने उस जो मर्चेंडाइज बेची है अभी तक हमें उसकी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, तो ट्रेड रिसीवेबल हमारा बड़ा है, मतलब उतनी अमाउंट हमें मिली नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल अभी तक हमारे पास राइट है उसका। ट्रेड रिसीवेबल के बढ़ने से नुकसान हो जाता है मेरा बेटा। सर लेकिन अभी हमें उतनी अमाउंट मिली नहीं है। तो पैसे ना मिलने से नुकसान होता है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अगर हम सामान बेचे और पैसे फौरन ना मिले, कुछ अरसे बाद मिलेंगे, तो क्या नुकसान हो जाता है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अगर बाद में मिल जाएंगे तो नहीं होगा नुकसान। और अगर बाद में नहीं मिलेंगे तो नुकसान होगा? यस। वो तो बात की बात है ना, हम तो आज बात की बात पूछ ही नहीं रहे आपसे। हम तो अभी पूछ रहे हैं कि बिजनेस ने अभी क्या किया, which means that the business has made, business ने क्या किया, अभी क्या किया, बाद में क्या होगा उसके बारे में थोड़ी बात हो रही है। आप एक्सप्लेन, दो पॉइंट तो आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किए, थर्ड पॉइंट में यह है कि डिक्रीज 9,000 का जो कैपिटल है, जब 80,000 के सामान को 89,000 की गुड्स को 80,000 रुपीज में बेचा जाएगा जहरा बेटा, तो इसका मतलब है आप महंगे सामान को कम पैसों में बेच रहे हो, तो आप खुशियां तो नहीं मनाओगे ना। तो 9,000 हमने कम में बेचा है, तो कैपिटल में 9,000 का डिक्रीज इसलिए आया है। समझ आई ना बात? अब समझ में भी आती है, आपको भी समझ आती है, मुझे भी समझ आती है। जी सर। नूरुलैन और रिदा, आप तीनों की बात समझ आ रही है? सोच रहे अच्छे तरीके से, अगर ऐसा एमसीक्यू दोबारा आया या पेपर में आया और अगर मिस्टेक हुई तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं ना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये इतनी देर लगाई है समझाने में, तो सिर्फ आप तीनों की वजह से नहीं लगाई है, खुदा ना खास्ता पूरी क्लास से डिस्कस कर रहा हूँ। अभी जहरा को बता रहा था, आप में से बहुत सारे लोग जवाब दे चुके हैं, और मुझे पता है कि कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा सा तेज होना चाहिए एक्टिविटी, लेकिन मसला ये जो लोग सोच रहे हैं कि तेज एक्टिविटी होनी चाहिए, मसला ये कि वो खुद तेज है ना बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, अब इसका आंसर जरा सोचने, शाबाश। अल्लाह मेरे मालिक, सोलो वन से रिलेटेड है, और अभी हमने चंद दिनों पहले भी पढ़ा, बल्कि अभी पढ़ ही रहते हैं इनफैक्ट, है ना जी मनाई। साइन क्यों? अच्छा वैसे ऐसी पूछ रहा हूँ नॉलेज के लिए,
ये जो सोफा सेट होता है या फर्नीचर जो होता है, इसको खरीदने को हम अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहते हैं? अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में परचेजेस कहते हैं उसे। इत्मीनान से बताओ, परेशान नहीं हो। खरीदने को परचेज कहते हैं, हर चीज खरीदने को परचेज कहते हैं। क्या अकाउंटिंग हर चीज के खरीदने को परचेज कहते हैं? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, नहीं मेरा बेटा शहीर भाई। सर क्या है आपके मुताबिक जवाब? डी। क्यों सर? वेरी गुड, यही सुनना चाह रहा था भाई। फर्नीचर सोफा सेट होता तो एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है ना? लेकिन अब आगे एक्सप्लेन कर। जी बिल्कुल बिल्कुल जी शहीद, कंप्लीट करें। यानी वो तो उसकी जात का, जात से रिलेटेड है, उसके घर से रिलेटेड चीज है, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा कहा नहीं साहब, आपको इस पे कोई एतराजात, कहीं कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत? ये जो सेकंड पॉइंट और हाँ सेकंड पॉइंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि ऊपर वो कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट कंसीडर्ड, तो नॉट पे जोर था। तो इसका मतलब है पहला वर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, देखते कोई जज्बात में आके बोले यही है यही है, लेकिन कब? जब उसके आगे ये जुमला लिखा ना हो, है ना? तो पेपर में जज्बाती नहीं होना, पहले शुरू के दो वर्ड पढ़े और आगे का सेंटेंस छोड़ दिया तो फिर केक बहुत बड़ा कटेगा, सही है? फिर मेहमानों में झगड़े भी होंगे। तो आप कोशिश करें कि पूरा पूरा एमसीक्यू जरूर पढ़ें इत्मीनान से। बहरहाल इसका आंसर डी है। शाह साहब को एतराज? अक्सर को एतराज? आगे बढ़ना है फिर जल्दी से, अगर कोई एतराज नहीं है। रोहान पढ़ लें आराम से, अभी फिर बताइएगा इसके बारे में। अरमान साहब आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सोफा सेट फर्नीचर एसेट होता है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन उसने बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेशक सोफा सेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो तो ओनर अपने घर के लिए ले रहा है ना, तो फिर वो बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए वो ड्राइंग हो गया, सही है? अरमान साहब आपका शुक्रिया, आपने मैसेज करके पूछा। ओके जी, आयशा अब्दुल गफ्फार, आयशा अनम्यूट कर लें प्लीज, आयशा अनम्यूट कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए मेरा बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हाँ वो इंटरनेट कनेक्शन जो है थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ था। मेरा बेटा आपने एमसीक्यू पढ़ लिया है क्या? आंसर सेलेक्ट कर लिया है? सर एमसीक्यूज पढ़ लिया लेकिन अभी कर रही हूं। अच्छा ओके, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप म्यूट नहीं कीजिएगा, जब आप डिसाइड कर लें तो शेयर कीजिएगा। फातिमा कह रही है वो ओनर के लिए कैपिटल होगा लेकिन बिजनेस के लिए नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड एंटिटी इज अप्लाइड। जी बिल्कुल, शुक्रिया फातिमा, आप सही सोच रही हैं। बिकॉज परचेज कम हो रहा हेमन, इसका आंसर लिख के भेजें मुझे, क्या है आप मुझे लिख के भेजेंगी? माहम आप भी मुझे इसका आंसर लिख के भेजें फौरन। थोड़ा सा फिजिकल वालों को तवज्जा दो तो ऑनलाइन वाले इधर उधर के निकल जाते हैं, ऑनलाइन वालों को पूछो तो फिजिकल वाले इधर उधर बातें शुरू करते हैं। लेकिन बहरहाल मेरे फिजिकल यहाँ बैठे हुए तमाम बच्चे बहुत अच्छे और प्यारे हैं माशाल्लाह, बहुत खामोशी से बैठे रहते हैं, बहुत हल्की आवाज में बात करते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ओके, थोड़ा सा समझा देंगे।
सेल्स हम मर्चेंडाइज की करते हैं तो उसके बदले में हमें या तो रेवेन्यू मिलने मिल जाता है या तो मिलने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर तो हम चैरिटी के तौर पर दे रहे हैं ना, तो इसमें हमारे परचे मतलब हमारे मर्चेंडाइज डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो क्रेडिट टू परचेजेस अच्छा, होगा। तो आप डेबिट टू सेल्स अकाउंट और क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट को बिल्कुल साइड में रख रही हैं, उनको तो कोई लिंक ही नहीं बनता। जो भी लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, आपके मुताबिक परचेज में, और परचेज में मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, क्रेडिट और डेबिट। सही है, डेबिट टू परचेज अकाउंट नहीं हो सकता, क्योंकि डेबिट तो जब होता है जब उसमें इंक्रीज हो। ओके। और क्रेडिट टू सेल अकाउंट के बारे में क्या ख्याल है? सर सेल्स के हमें उसकी वजह से कुछ रेवेन्यू तो नहीं मिल रहा ना, हम तो ये एज अ चैरिटी दे रहे हैं। सही है, जजाक अल्लाह बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि आयशा की आवाज़ अगर आप लोगों को आ रही थी, तो रोहान अब आपकी बारी। थैंक यू आयशा, खुश रहिए। जी रोहान भाई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कम करने हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अच्छा, क्यों? परचेजेस कम करने की वजह बताएं, परचेजेस क्या होता है हमारा? एग्जैक्टली यही सुनना चाह रहा हूँ, परचेजेस क्या होता है हमारा। और तो सर जरा सुनिएगा, समाज फरमाइएगा गौर से, मैं कुछ थोड़ी एडिशनल बात करने लगा हूँ, मुश्किल नहीं लेकिन आपके पेपर के लिहाज से ये तो परचेज। भाई गौर से सुनेंगे प्लीज, क्योंकि आप मुझे तवज्जो नजर नहीं आ रही थी कुछ लोगों की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, गौर से सुने। और जिनके कॉन्सेप्ट जरा स्ट्रांग है वो बहुत गौर से सुने, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट हिलते हैं ना तो फिर मुश्किल होती है। यार जब आप मर्चेंडाइज किसी को चैरिटी के तौर पर सैंपल के तौर पर दे रहे हो, तो ये वही मर्चेंडाइज है ना जो आपने क्या की थी, खरीदते हुए ने माना था खर्चा। शायद मैं सवाल करके रुक जाऊं और शायद मैं जवाब भी दूं साथ साथ, इसलिए तवज्जा रखिएगा। जब आपने इसे खर्चा माना था और आप ये किसी को सैंपल्स के तौर पे दे रहे हैं, चैरिटी के तौर पे दे रहे हैं, तो चैरिटी पे देने, चैरिटी के तौर पे किसी को देंगे बिजनेस में, तो अगर जकात भी दी जाए तो हम कहते हैं बिजनेस का क्या हुआ, खर्चा। तो जब किसी को चैरिटी के तौर पर गुड्स दे रहे हैं तो ये खर्चा कम करने की तो समझ नहीं आई मुझे, क्योंकि आयशा के मुताबिक और आप सबके मुताबिक भी यकीनन, मैं थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे आया हूं इसमें, एमसीक्यू में हल्के, इसको कहते हैं ऊपर से आना, जरा थोड़ा सा भारी लेवल। जो एमसीक्यू था वो तो हो गया, क्रेडिट टू परचेज अकाउंट इसका करेक्ट आंसर है, और माजरत चाहता हूं उनसे कि जिन्हें क्रेडिट टू परचेज अकाउंट नहीं पता, क्योंकि मैं तो अब इससे भी बहुत ऊपर की बात कर रहा हूं। परचेज जब माल खरीदा था, मर्चेंडाइज खरीदी थी, कहते हाय हो गया खर्चा। आज क्रेडिट टू परचेज अकाउंट का मतलब है मैं खर्चे को कर रहा हूं कम, तो क्रेडिट टू परचेज अकाउंट क्यों खर्चे को कम कर रहा हूं? क्या जब किसी को चैरिटी के तौर पे गुड्स दी जाती हैं तो क्या वो खर्चा नहीं होता? जब किसी को सैंपल के तौर पे दी जाती हैं तो क्या वो खर्चा नहीं होता? क्या बनेगी आप? ओके सही है। और अगर ड्राइंग ना हुई हो, चलो हटा दो ड्राइंग, बस अब बोलो सिर्फ चैरिटी और उसके लिए दी। दोबारा बोलिएगा सर, कहा आपने क्या बोला? एक एक्सपेंस को बढ़ाएंगे, एक एक्सपेंस को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे यहां तक तो पहुंचा दिया, बहुत जबरदस्त पहुंचाया। एक छोटा सा मासूमाना और सवाल कर लूं इसके साथ, क्योंकि जब आपने यहां तक पहुंचाई थी और मैं भी यही आना चाह रहा था, आप बिल्कुल मेरी उसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं ना, जहां मैं आपको। तो क्यों किया ऐसा पता बताओ, सोचो क्यों किया, मतलब क्यों ये पागलपन क्यों? सीधा सीधा रहने देते उसको, कुछ नहीं करते। हाँ सर,
हाँ जी, और कोई जवाब देना चाहेगा? पहले ये बताएं आप सिनेरियो में मेरे साथ हैं या नहीं, या कहीं दूर निकल गए, बोले पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, अभी आप हैं हमारे साथ? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चले मैं कोशिश करता हूँ पूरी क्लास को दोबारा अपने साथ शामिल कर लूँ। देखें, जब मर्चेंडाइज ओनर अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकाले, हम किसी को सैंपल्स के तौर पर दें, हम चैरिटी के तौर पर गरीबों में गुड्स ले जाके बांट दें, तो हम कहते हैं उसको सेल्स नहीं लिख सकते, क्योंकि सेल्स लिखने का मतलब है हमने अपने रेवेन्यूज को बढ़ा लिया। हमने तो मर्चेंडाइज ओनर बिजनेस से निकाल कर ले गया, तो हमने कहा भाई मर्चेंडाइज कम होनी चाहिए। अब हम ये कहते हैं कि वो मर्चेंडाइज किस नाम से रिकॉर्ड हुई हुई थी, तो मर्चेंडाइज को खरीदते हुए हम रिकॉर्ड करते हैं किस नाम से? खर्चे को बढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं अब क्योंकि मालिक बिजनेस से उस मर्चेंडाइज को निकाल के ले गया, तो खर्चे को कर दो कम, और कहते हैं ड्रॉइंग डेबिट। ये बात तो जब अक्सा ने बोली, मैंने उसी वक्त उसको बोला ओके जी ड्रॉइंग हटा दें आप, तो फिर मैंने बोला अब क्या फर्ज करें, हमने सैंपल्स के तौर पर किसी को अपनी गुड्स ले आके दी, हमने चैरिटी के तौर पर गुड्स बांट दी, तो अभी भी हम कहेंगे हमारी आमदनी में तो इजाफा नहीं हुआ, तो परचेजेस तो क्रेडिट होना चाहिए जहां तक साथ हैं। लेकिन अब अली मोहम्मद ने बहुत अच्छा बोला और बाकी लोगों ने भी साथ दिया, कहानी भी साथ दिया, बोला अगर परचेजेस क्रेडिट हो रहा है, और अक्सर ने उसको इंडिकेट किया कि सर अगर परचेजेस आप क्रेडिट कर रहे हैं तो कोई दूसरा इफेक्ट भी तो होगा, तो दूसरा इफेक्ट अली भाई ने बोला, क्या बोला? चैरिटी एक्सपेंस। उन्होंने बोला कोई दूसरा एक्सपेंस लाइक सैंपल एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस डेबिट होगा। तो मैंने सवाल किया कि परचेजेस भी एक खर्चा है, आप खर्चे को कर रहे हो कम, और चैरिटी एक्सपेंस या सैंपल एक्सपेंस भी एक खर्चा है और आप एक खर्चे को बढ़ा रहे हो, फायदा क्या? ये सवाल मैंने समझाया, अभी जवाब नहीं समझाया। सही नाम से रिकॉर्ड कर रहे क्यों? एक एक्सपेंस कम करेंगे, एक एक्सपेंस बढ़ाएंगे, प्रॉफिट तो सही आएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। अल्लाह करे बाकी लोग भी ये बातें सुन रहे हो, बनाए समझ में आई? पक्का समझाओ क्या बोल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं इस बात को भी अभी बोलूंगा जो आपने कही है, लेकिन अभी मैं पूरी क्लास को लेके चलने के लिए ऐसे कह देता हूं, खुदा ना मेरी बात सुनिएगा, मैं ऐसे कह देता हूं, फातिमा बेटा गौर कीजिएगा, मैं ऐसे कह देता हूं कि मैंने मुलाजमीन को सैलरीज दी, मैंने मुलाजमीन को कन्वेंस के पैसे दिए, और मैंने उसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस समझ लिया। मुलाजमीन को कन्वेंस के चार्जेस दिए, ट्रैवलिंग के चार्जेस दिए, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस पे किया, और मैंने उसे गलती से क्या समझ लिया? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तो अगर मैं किसी एक्सपेंस को दूसरे एक्सपेंस से रिकॉर्ड कर लूं और उस एक्सपेंस को कैटेगरी वाइज इनकम स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता हो अलग, तो बाजाहिर नेट प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बढ़ने से मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आवाज ही नहीं आएगी, बढ़ जाएगी, और मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि कन्वेंस और ट्रैवलिंग हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, और यही बात अभी हम यहाँ कर रहे हैं, जो अक्सा ने बेहतरीन तरीके से समझाई, और अली मोहम्मद समझाना चाह रहे थे लेकिन मैंने उनको मौका नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये समझा रहे हैं और ये सही जा रहे हैं डायरेक्शन पर, तो जब मुझे पता हो कि कोई बच्चा बिल्कुल सही समझा रहा है तो मैं उसको जरा जबरदस्ती रोकता हूँ खुद से, ताकि बाकी बच्चों को मौका मिले, वरना आप तो ऐसे टाइट कान लगा के बैठे होते हैं कि इधर ये बोलेगा और आप पी जाएंगे फौरन, बोलेंगे हाँ हाँ यही जवाब है। तो कोशिश होती है कि आप मैक्सिमम इन्वॉल्व रहें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप तीन लोगों से तो एक्सपेक्ट करता ही हूँ, बाकी लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इस लेवल पे आके सोचें, खुदारा खुदारा, क्योंकि ऐसी ही चीजें आपके पास अगर पेपर में आप प्रिपेयर करके जाएंगे ना, तो पेपर दे के जब आप निकलेंगे तो आप कहेंगे पेपर बहुत आसान था। पेपर आसान था का जुमला जो है ना, सिर्फ वही लोग कहते हैं जो पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, और प्रिपरेशन किस लेवल की, जो पेपर आता है उससे एक स्टेप ऊपर। मुझे पता है ये सब इतना आसान नहीं होता, बीइंग अ टीचर ये बातें कहना आसान है, बीइंग अ स्टूडेंट, जब मैं वहाँ, और हमेशा मैं अपने आप को वहाँ रख के पढ़ाता हूँ, यानी जहाँ आप बैठे हैं मैं वहाँ बैठता हूँ, हमेशा मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ बैठा हूँ,
और जब मुझ जैसा मतलब एक एवरेज बिलो एवरेज वीक इंसान जब वहाँ बैठा हुआ है तो उसको टीचर की बात क्या समझ आ रही होगी। कोशिश तो कर सकता हूँ, अगर जिस दिन मैं ये समझूं कि सामने ऑडियंस बैठी हुई है मेरे लेवल की, यानी बहुत अजीम लोग बैठे हैं, टीचर के लेवल के लोग बैठे हैं, तो फिर शायद मैं उस दिन अच्छा पढ़ा ना सकूं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे आप भी कोशिश करें, आप भी बातों को समझें। अब बस वो जुमला अदा कर देता हूँ, परचेजेस को कम करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी कम, परचेजेस को कम करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी कम, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ज्यादा, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा। और अगर हमने ये ना किया तो हमारी कॉस्ट नजर आएगी, कॉस्ट नजर आएगी ज्यादा और ग्रॉस प्रॉफिट नजर आएगा। तो सर आखिर ये ड्रामेबाजियां होती क्यों है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट? बेटा बिजनेस के डिसीजंस को लेने के लिए इनकम को जब मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ा जाता है तो फिर उसे एनालाइज किया जाता है। आपको पता है कि बल्कि पता क्या है, आपको पता है 100% मुझे याद आया, पीओसी में मिस नाजनीन ने आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चंद फॉर्मूले इसी साल पढ़ा दिए हैं। आपने जो वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल और ये सब पढ़ा, ये कौन से सब्जेक्ट का पार्ट है पता है आपको? अच्छा मिस ने वो किस हेडिंग के अंडर पढ़ाया ये बताएं चले, अबे मतलब कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ाया भाई वो है? यार मतलब आपने ये जो चीजें पढ़ी हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो और इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो भी पढ़ा, तो ये आपने किस, हाँ डेट टू इक्विटी रेशियो, ये आपने मतलब किस एसएलओ के अंदर पढ़ा है, कौन सी हेडिंग में आता है, कौन सी अम्ब्रेला में कवर होती है ये चीजें, टॉपिक का नाम क्या? हाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और क्या बोल, रेशियो एनालिसिस, क्या बात है भाई बेहतरीन। पता है रेशियो एनालिसिस जो है ना बेसिकली एक टूल का नाम है, रेशियो एनालिसिस एक टूल, अबे टूल तो समझते हो ना, टूल का नाम है। और ये टूल पता है कहां यूज होता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाकायदा मास्टर्स लेवल पर एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिजनेस के कैसे एनालाइज किया जाता है। और जो लोग एनालाइज करने में माहिर हो जाते हैं वो आजकल सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन रहे हैं, सीएफए। अभी सीए तो वैसे पाकिस्तान में वैसे तो सीए का बूम था, है और रहेगा, लेकिन आजकल एक बूम जो आया हुआ है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, फाइनेंस की फील्ड में, वो सीएफए है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। कौन है ये लोग? अब मैं अब कहीं अलग ना निकल जाऊं, दूसरी तरफ बातें चली जाए भाई, ये वो लोग हैं जो ये फैसला करते हैं कि इस कंपनी के शेयर खरीद दो, इस कंपनी में पैसे लगा दो, उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं? इनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पढ़कर उससे बेस्ट डिसीजन लेने आते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं ये लोग। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक टॉपिक है, बात कहीं और से और निकले जा रही है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि भाई जब ग्रॉस प्रॉफिट को ओनर देखेगा, आपने परचेजेस को कम नहीं किया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट वो देखेगा कम आ रहा है तो कहेगा यार कारोबार करने का फायदा ही क्या, हम तो इतनी महंगा सामान खरीदते हैं और इतना सा मुनाफा उस पर होता है, फिर मैं दुकान का किराया कैसे निकालूं, फिर मैं मुलाजमीन की तनख्वाह कैसे दूं। हो सकता है वो कारोबार को शट डाउन करने की तरफ चले जाए सिर्फ इस बिना पे कि जो मैं सामान खरीद रहा हूँ उसको बेचकर प्रॉफिट ही इतना कम कमाता हूँ, दुकान कैसे चलाऊं, गलत डिसीजन हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी परचेजेस को क्या कर देगा कम, और कौन सा खर्चा बढ़ाएगा, चैरिटी एक्सपेंस या सैंपल्स एक्सपेंस, तो फिर वो एक्सपेंस कहां जाके हिट होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। वो बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग की एक टेक्निक है सैंपल्स प्रोवाइड करना लोगों को। तो फिर जब वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा तो आप ग्रॉस प्रॉफिट नजर आएगा ज्यादा, ओनर नेक्स्ट टाइम कहेगा भाई अब ज्यादा सैंपल्स बांटने की जरूरत, होता क्या है ज्यादा सैंपल बांटने से, ज्यादा एडवर्टाइजिंग करवाने से, ज्यादा स्टाफ रखने से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं और हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अभी फर्स्ट ईयर में तो आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं, सेकंड ईयर में भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे कंपनी का, और उसके बाद जैसे ही आपका बैचलर शुरू होगा इंशाल्लाह, या आप सीए आईसीए में जो भी ज्वाइन करेंगे, एससीसीए जो भी आप करेंगे,
फिर आपको पढ़ाया जाएगा एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आपने सिर्फ एक टूल पढ़ा है रेशियो एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस अलग होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस अलग होता है, ये सारी चीजें हैं। पर जो लोगों का इंटरेस्ट है कॉमर्स में वाकई, जिन लोगों ने कॉमर्स वाकई पढ़ने के लिहाज से लिए, उन्हें आगे चीजों को पढ़ने में मजा आएगा। और ये सारे सब्जेक्ट मजे की बात है लिंक हो रहे होते हैं, पीओसी इकोनॉमिक्स और आपका ये अकाउंटिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं समझता था मेरी गलती थी, फिर जब मैं आगे पढ़ता गया तो मुझे एहसास हुआ कि ये जो मैथमेटिक्स होती है ना कम्बक, ये भी जाननी छोड़ती। मैं तो अभी तक कम्बक कहता हूँ उसे, भाई मुझे मुश्किल लगती थी खुदा ना खास्ता। लेकिन फिर वो जो इंटर, आप लोगों ने डेरिवेटिव्स तो नहीं पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, मैट्रिक की नहीं, नहीं पढ़े ना डेरिवेटिव्स? वर्ड सुना है वैसे? पढ़े हैं आपने? ओ लेवल्स में पढ़ाए जाते हैं डेरिवेटिव, है ना? अच्छा, और जो आफ ऑन बोर्ड्स हैं उन्हें नहीं पढ़ाया गया? अच्छा, बहरा डेरिवेटिव्स जो है भाई, मैं अपने जमाने की बात करूँ ना तो मेरे जमाने में डेरिवेटिव्स इंटर साइंस वालों को पढ़ाए जाते थे, और हम तो होते कि जिन्होंने साइंस से तौबा कर ली थी मैट्रिक के बाद, बोला नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं है कॉमर्स पढ़ेंगे। तो और ये भी अलग दास्तान है, किसी दिन सुना दूंगा क्यों तौबा की थी। तो काम की बात यह है कि डेरिवेटिव्स और ये सब चीज़ें इंटर साइंस में हमारे यहाँ पढ़ाई जाती हैं, और मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती हैं, और वो फिजिक्स वगैरह में भी यूज होती हैं वो सब चीज़ें। और हम मैथमेटिक्स से जान बचा के निकल गए, फिर आगे जाके जब पढ़ा थोड़ा सा मास्टर्स लेवल पर चीज़ों को देखा, तो ये सारी मैथमेटिक्स कंबाइन होके, सारी अकाउंटिंग कंबाइन होके, सारी इकोनॉमिक्स कंबाइन होके एक सब्जेक्ट बनता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये सब बताने का वक्त जाया करना नहीं है, बल्कि आपकी काउंसलिंग करना है कि अगर आपने वाकई अपने कैरियर को कॉमर्स की तरफ लेके जाना है तो ये सारे सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे साथ। तो फिर आप एक अच्छे अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं, अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं, अपने पेरेंट्स के बिजनेस को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं अगर आप अपने अपने वालदैन के बिजनेस को आगे हैंडल करने का इरादा रखते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ अकाउंटिंग अकाउंटिंग करते रहे तो बेटा आप अपने अब्बा के बिजनेस में जाके अकाउंटेंट की जगह जब बैठ जाएंगे और आप सिर्फ अकाउंटिंग करते रहेंगे बैठे हुए। आपका सिर्फ अकाउंटिंग करने वाले का एम सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंटिंग कंबाइन होकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनती है। फाइनेंस मैनेजर को सिर्फ अकाउंटिंग नहीं आती बल्कि फाइनेंशियल डिसीजंस लेने भी आते हैं। वो एक अलग बात है कि वो अकेला नहीं लेता, उसके साथ और भी लोग होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, CFO होते हैं, ये सारे मामले होते हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं एक्स्ट्रा, और आई होप कि आपकी कुछ ना कुछ इससे भी लर्निंग हुई। आइए, अभी हमारे पास टाइम तो है ना जी, थोड़ा बहुत तो है अभी। चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं और MCQ आपके सामने है। चलिए पढ़िए इत्मीनान के साथ, सुकून से, फिर इसका आंसर डिसाइड करते हैं। अल्लाह मेरे मालिक, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बिजनेस मैथ्स और बिजनेस स्टैट्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा अभी भी और आगे भी। बिजनेस मैथ्स का पेपर आप लोगों का 50 मार्क्स का होता है ना, मजे आ गए उसमें तो आपके, उसमें भी बच्चे आराम से, लास्ट ईयर भी डिस्टिंक्शन लाए थे लोग शायद। नहीं वशुद भाई, आपने जो लिखा है उसका जवाब नहीं है सर। पढ़ लिया शास, पहले से पढ़ा हुआ, आंसर डिसाइड हो गया, बड़ी जल्दी पढ़ लिया माशाल्लाह। जनाब जनाब किससे पूछें, आप सबसे पूछ के थक गए। अब्दुल मोई साहब आप बताएंगे इसका जवाब अगर समझ आ रहा है। मुझे वजीहा ने जवाब लिख के भेजा है, सैयदा जहरा ने लिख के भेजा है, आयशा ने लिख के भेजा है जवाब, महक ने और फातिमा ने। बाकी अबीर भाई रिसर्च वर्क कर रहे हैं अभी से, आपकी MPhil की डिग्री हमने छपने के लिए दे दी है। आप जैसे ही इंशाल्लाह कॉलेज आएंगे कल, मैं कोशिश करूँगा एम्बोस डिग्री आपके हवाले कर दूँ। एमन खान अगर आप क्लास में मौजूद हैं तो जवाब लिखने की जिसारत करें। अरमान भाई
माहम भाई जवाब लिख के भेजे ना अरमान, अरमान साहब सिर्फ आपने जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख के नहीं भेजना बेटा, एमन जवाब लिख के भेज दो इसका आंसर क्या है। शुक्रिया महम, मतलब अरमान जब क्लास शुरू होती है तुम उस वक्त सलाम करते हो, जब खत्म होती हो तुम फी अमान अल्लाह कह के निकल लेते हो। ऐसा ना करो, ऐसा लग रहा है तुम तो वो मतलब जैसे किसी खानदान में दूर का कोई होता है ना, उसकी शादी में जाते हैं, बस जाते हैं और ये खाना खोला, चल मेरा भाई धमा धम खाया और अभी वहां बेचारों की रुख्सती भी नहीं हुई और बोलते चलो भाई चलो बस चलो। ऐसा ना करो प्लीज, जरा थोड़ा माहौल बनाओ पढ़ाई का। शुक्रिया। अरे भाई दे रहे होगे जवाब, अभी दो ना, अभी मैंने आपका नाम लिया, अभी जवाब दो। अच्छा और भी लोगों के नाम ले लो, इन लोगों को जगाना पड़ता है, सो जाते हैं बेचारे। शोएब भाई, मशहूद साहब तो मुस्तकिल कुछ ना कुछ हालात बयान करते रहते हैं अपने। रबिया बेटा आप क्लास में हैं, हमारे लिए बाईस सआदत बाईस मुसरत व सद इफ्तिखार है आपका आना क्लास में, जवाब दे के शुक्रिया का मौका दें। समर भाई आपकी आवाज काफी दिनों से सुनाई नहीं थी और आप जवाब भी लिख के नहीं भेज रहे। तलाल बिन आमिर साहब आपका जवाब भी नहीं आया अभी तक। नहीं अपनी मौजूदगी का एहसास ना दिलाएं, आपका नाम यहाँ लिखा नजर आ रहा था, मैं समझ जाता हूँ आप हैं, आंसर लिख के भेजें मुझे फटाफट। तनेशा बेटा कौन सा एसएलओ पढ़ रही हैं आप आजकल, खुद से या आपकी फैमिली में जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, जरा मुझे बताएं कौन सा एसएलओ पढ़ रही हैं आप। अच्छा समर भाई आपने तो ए या सी दो ऑप्शन दे दिया हमें जी। कह रहे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं जी, एमसीक्यू पढ़ने का। हाँ पहले ये बताओ ईमानदारी से ऊपर वाली बात समझ आ रही है या नहीं, क्या कह रहा है उसमें जरा चलो मुझे समझा दो। एक किरण ग्रॉसरी स्टोर है जो एक बड़ा रिटेल आउटलेट है जो रोजाना तकरीबन 80,000 रुपए की सेल करता है, ठीक है। तो अकाउंटेंट जो है उसने एंटरटेनमेंट एक्सपेंस था 500 वो लिखना भूल गया, जब ऑडिटर्स ने ये देखा तो उन्होंने इस मिस्टेक को इग्नोर किया। अच्छा ऑडिटर्स पता है कौन होते हैं, तो ये भी बता दो ना आप, ऐसा ना आप बोले यार ऑडिटर्स का वर्ड तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। जी जो चेक करते हैं, जो एग्जामिन करते हैं, क्या चेक करते हैं, अकाउंटेंट का किया हुआ काम, सही है। हाँ चले आगे। तो उसने ये देखा लेकिन मिस्टेक को इग्नोर किया, तो ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा प्रिंसिपल के तहत उसने ये इग्नोर किया है। ऑडिटर ने इस 500 रुपए की मिस्टेक को क्यों इग्नोर कर दिया, अकाउंटिंग के किस प्रिंसिपल की वजह से। तो अब जवाब आपने जिस तरह समझाया ना, यकीन करें अगर आपने कॉन्सेप्ट एक बार पढ़े होते आप फौरन एक सेकंड में जवाब दे देते, तुक्का लगा दें चले ऐसा करने के लिए, क्योंकि आपने ऊपर वाला स्टैंड तो बड़ा जबरदस्त समझाया, समझ में आपको आ गया, लेकिन मसला क्या है, रियलाइजेशन मैटेरियलिटी कंसिस्टेंसी बिजनेस एंटिटी पढ़ने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। पढ़ा है बिजनेस एंटिटी पता है, कंसिस्टेंसी पता है, जबरदस्त बचे दो रियलाइजेशन और मैटेरियलिटी, लगाओ तुक्का। तुमने अभी खुद कहा मुझे कि कंसिस्टेंसी आपने पढ़ा है, बिजनेस एंटिटी आपने पढ़ा है, तो ये दोनों आपने पढ़े हैं, ये सारे हैं लेकिन वो समझ नहीं आए। अच्छा ओके जनाब 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 अमल मनाहिर शायद तुक्का अफसर बेटा तुक्का लगाने की बारी आई है। तारिक भाई गलीजा रिदा तुक्का लगाएंगे, सब बोल रहे बी लग रहा है। हाँ रीजन रीजन जनाब 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 आपको बताना है। अच्छा मतलब आप तुक्का नहीं लगा रही, तो मुझे पता है आप तुक्का नहीं लगा रही, तारिक आजम साहब भी तुक्का नहीं लगा रहे है ना, मुझे पता है आप लोगों को रीजन पता है माशाल्लाह। मोहतरम प्यारे भाई हुज़ैफ़ा क्या आप रीजन बताना चाहेंगे, पहले बताएं आप आंसर से एग्री करते हैं जो ये लोग कह रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा रीजन को जरा एक्सप्लेन करते हैं। शाबाश हाँ
नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं समझाना, बस मटेरियलिटी को डिफाइन करना था। ओके फातिमा बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। जीती रहिए बेटा आप। जी सर। आप लैपटॉप से क्लास ले रही? जी सर। बैकग्राउंड आवाज बहुत ज्यादा है कुछ, तो आप या तो उसके साथ हैंड फ्री कनेक्ट करें, मैं तो सुन लूंगा, चले मुझे बता दें। और 500 का एक छोटा सा एक्सपेंस है ये एंटरटेनमेंट का, तो ये उसके लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, ये इसलिए मटेरियलिटी हो रहा है और इसको तभी इग्नोर करा जा रहा है। बहुत शुक्रिया फातिमा आपका। कोई आप में से मटेरियलिटी के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेगा? कोई भी जो चाहे हैंड रेस करे और करे। रिजा बिस्मिल्ला। रिजा जान बुझ के वेरी गुड एक्सीलेंट, ये बहुत अच्छा वर्ड था। यानी अगर कोई चीज अनइंटेंशनली लेफ्ट हो गई है और वो डिसीजन मेकर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, तो फिर बेशक अगर वो इग्नोर हो गई तो उसको आप ना भी प्रेजेंट करें तो कोई मैटर नहीं है। बिल्कुल सही, बस यही मैं सुनना चाह रहा था। बहुत अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, और वो सिर्फ इसी बेसिस पे देख रहा है ना कि अमाउंट कितनी बड़ी है। तो अब हर बिजनेस के लिए कोई ये 500 स्टैंडर्ड नहीं है। अगर किसी बिजनेस की 8000 रुपीज की पर डे सेल है तो शायद वहां ये 500 रुपीज इंपॉर्टेंट हो। तो मैंने जानबूझ के इस तरह अमाउंट लिखी थी ताकि आपको ये बात सोचने का समझने का जरा बेहतरीन मौका मिले कि 80,000 रुपीस जहां पर डे की सेल होती है तो वहां पर जो है अच्छी खासी बड़ी अमाउंट बनेगी पर मंथ, या क्या कहना चाहिए, उसके एक्सपेंसेस जो होंगे वो भी अच्छी खासी बड़ी अमाउंट के होंगे, तो वहां 500 एक बड़ी अमाउंट नहीं। आई थिंक मुझे बाकी चीजों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन आप में से कोई समझाना चाहेगा? नहीं, अभी अभी तो आपने समझाया बस, और कोई नहीं समझा रहा भाई। खुदा रहा, प्लीज प्लीज आप लोग पढ़ने में कितनी रिक्वेस्ट करूँ आपसे। आप देखें मेरी बात को समझें, मेरी पोजीशन को समझें, मतलब हम आपसे हर तरह बात कर सकते हैं, आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे? हम आपसे हर तरह बात कर सकते हैं, बदतमीजी से भी कर सकते हैं, गुस्से से भी कर सकते हैं, प्यार से भी कर सकते हैं, तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप प्यार मोहब्बत की जुबान नहीं समझते तो फिर आप अपना नुकसान भी कर रहे हैं और फिर आप क्लास का माहौल खराब करेंगे। क्लास का माहौल इन अ सेंस, फिर मुझे गुस्से में बात करूंगा तो जाहिर सी बात है फिर पूरी क्लास गुस्से में गुजरेगी। फिर कहीं अगर मजाक बनता भी होगा ना किसी बात के दौरान तो मैं फन इन्वॉल्व नहीं कर सकूंगा क्लास में। रीजन, इतना मेंटली आप मुझे डिस्टर्ब कर देंगे कि मैं कहूँगा छोड़ो यार, बच्चों से क्या बात करनी है।